शाजापुर में गुरुवार को महिला स्व सहायता समूह महासंघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। स्वयं सहायता समूह द्वारा आंगनवाड़ी में बच्चों को भोजन एवं नाश्ता प्रदान किया जाता है। इसे बनाने के लिए समूह को 2,000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। समूह के सदस्यों ने इस राशि को बढ़ाने की मांग की। समूह को बच्चों के लिए गेहूँ चावल PDS दुकानों से दिया जाता है। समूह के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि हमें हर माह समय पर राशन नहीं मिलता है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा पहले अग्रिम राशि हमारे खाते में भेज दी जाती थी, लेकिन अब 3-4 महीने तक भुगतान प्राप्त नहीं होता। सरकार को बार बार ज्ञापन सौंपा जा रहा है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। 1 अगस्त से हम आंगनवाड़ी में नाश्ता एवं भोजन देना बंद कर देंगे। संगठन के अध्यक्ष प्रतिनिधि किशोर वर्मा द्वारा यह बताया गया है कि आज जिले भर के स्व सहायता समूह के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपकर भोजन एवं नाश्ता बनाने के मानदेय को बढ़ाया जाए, इसके अलावा समय पर राशन एवं बिल का भुगतान किया जाए। 1 अगस्त तक यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंगनवाड़ियों में भोजन एवं नाश्ता देना बंद कर देंगे। हम मांग करने आया, 2,000 से तो कहीं काम नहीं चले हमारे 6,000 रुपया क्या है, 6,000 रुपया में हमारे 2,000 में तो कहीं आजकल बच्चा बच्ची की फीस भी नहीं भरा है और किताब काफ़ी भी नहीं आए। और बड़ा बड़ा कर्मचारी की तो शिवराज भैया, हम उनको सम्मान भी करा, खूब अच्छा हमारा भैया है, अभी तो हम उनके रक्षाबंधन राखी बांधा और हमारो सब काम पर हमारे छोटा कर्मचारी के क्यों पीछे में लिया, छोटा कर्मचारी के क्यों पीछे में लिया। हमारा बस यही मांग है, हमारा 6,000 रुपये था आंगनबाड़ी का, 2,000 रुपये है, 2,000 किया जाए, 2,000 किया जाए। आपका नाम? हमारा नाम बिंदा भाई। पद? उपाध्यक्ष। संगठन? संगठन प्रतिभा स्व सहायता समूह। प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। महिला स्व सहायता समूह संघ को 2,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं भोजन बनाने पकाने के लिए। महिला बाल विकास से 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं, वो भी बिल में से काट के हमको 500 रुपये खाते में, रसोई खाते में डलते हैं। हमारी मांग ये है कि जो गेहूँ है, चावल है, वो भी हमको समय पर नहीं मिलता है। IED सोसाइटी में जाते हैं तो गेहूँ प्राप्त नहीं होते हैं, वो बोलते हैं अंगूठा नहीं आए, घड़ी में ये नहीं आए, ऐसे करके वहाँ से लेप्स हो गए। ये हमारी मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं इसमें। और इसके बाद में हमको समय पे पैसा नहीं मिलता है, क्यों जब महीना पूरा होने के बाद में, पहले क्या था कि पहले महीना पूरा होने के बाद पैसे डल जाते हैं या एडवांस डल जाते हैं, लेकिन 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं पैसे नहीं डलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम किशोर वर्मा, मैं जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट।